ओम शांति। आज 16 मई 2024 की मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। देवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते। शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। कि बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा कभी किसी पर नाराज़ नहीं है होते हैं, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट न करे। कि बाबा सभी बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट न करे। तो बाबा ने उत्तर में कहा, यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट न करे। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस न हो। कि बाबा कहते ना, इस नॉलेज से सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस न हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। कि अगर शिव बाबा से डायरेक्ट योग होगा तो हमारा समय क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को यह मालूम तो है कि यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं। कहाँ श्राप ना दे देवी, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वह है जो खुद चंचल होते हैं। वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं। समझाते हैं, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझाने देते हैं आगे के लिए सुधर जाएं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। कि क्या कह रहे बाबा, कि बच्चे अपने आप को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो और देवी गुण धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है। वह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ देवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल असुरी गुण। छोटे बच्चों में भी असुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है, और ही सीखते हैं। वहाँ सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से
बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं। यह तो पढ़ाई है, टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। यह रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान की भी कोई हद होती है ना। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए हैं, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। बाबा कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार बंधाए मान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियाँ भागी, कुछ भी ले नहीं आई। कितना हंगामा हो गया, ड्रामा में जो होने का था वह हो गया। ख्याल भी नहीं था कि ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था, क्या हो रहा है, इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखा कर ले आओ, हम ज्ञानमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए, वह बोले विष दो, यह कहे हमने ज्ञानमृत पिया है, विष कैसे दे सकते हैं। इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, श्री कृष्ण की तो बात हो ना सके। तो यह सब ड्रामा में नोंद है, नाटक में यह सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि। यह तो दोनों बाप कहते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। यह तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बच्चों को कितने वंडरफुल नाम, संदेश पुत्रिया ले आई। फिर जो उनसे भाग गए उनका वह नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बाबा को पता है ब्राह्मण बच्चों की स्थिति कभी ऊपर तो कभी नीचे, इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों की माला कभी बनती नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो, वहाँ भक्ति होती नहीं। यह नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा होना सके। और फिर है भी सेकंड की बात, अल्फ को जान गए हो तो बे बादशाही जरूर मिलनी चाहिए। तो वह अवस्था जमाने में अर्थात पति से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो। इसमें है मेहनत,
तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं कि रिश्वत लेकर पास कर देंगे, यह तो बच्चे समझते हैं। दोनों इकट्ठे हैं, ढेर बच्चियों की चिट्ठियाँ आती है बाप दादा के नाम पर, शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा, त्रिमूर्ति में है ब्रह्मा द्वारा, स्थापना कराते हैं ब्रह्मा को, क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वह बाप ही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई है, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया, जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, तो यह है बेहद का सिदरा। आदम और बीबी, एडम और ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा और सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर्स है, एक ना मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से। यह बहुत गुह्य बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है और परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाप दादा दोनों का इकट्ठा पाठ बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने यह रथ बड़ा अनुभवी लिया है, बाबा खुद समझाते हैं कि यह भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है, हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवे तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बेट तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे, अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से ना पास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं, कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़े ही कहेंगे, यह है सबसे ऊंची लॉटरी। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वह धारण करना है, यह ज्ञान भी तुमको अभी
मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती है शांति धाम, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए हो, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तो सब सुख है, बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना यह वंडरफुल खेल है। यह फिर भी होगा अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्च होता है? एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बनाना सके। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बनना सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता बनना सके। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया कि गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, देवी गुण धारण करने हैं। दूसरा है, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन, याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं
महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। स्लोगन है, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। कि जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का सन्यास। अभी दुनियावी मनुष्यों को यह विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने सन्यास क्यों लिया है। यह कोई हठयोग कर्म सन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्मयोग सन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए हैं जीते जी देह सहित देह के सभी कर्म इंद्रियों का मन से सन्यास कराता है, अर्थात पांच विकारों का संपूर्ण सन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए कहता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का यह ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा काली पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी है। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब यह भी सन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहाँ यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं और कन्याएं हैं जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाए। परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश सन्यास किया है। तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई, तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी है, जैसे राजा गोपी चंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का सन्यास कर लिया। यह है ईश्वरीय अतिंद्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ है। उन्हों को यह पता है कि इस मरजीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो यह मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो जाएगा। तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल करे। अब यह राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है
तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक, मंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने हैं। वहाँ भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। यह है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे सो पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।